आदिवासी महिला के साथ मारपीट का मामला गरमाया। चुनाव प्रचार छोड़कर गोंडवाना नेता पहुंचे आदिवासी महिला को न्याय दिलाने। पुलिस अधीक्षक से की थाना प्रभारी को हटाने की मांग, क्योंकि थाना प्रभारी ने नहीं लगाई धारा 307। महिला पर हुआ था जानलेवा हमला। विभिन्न सवालों के घेरे में चौरई थाना प्रभारी, कार्रवाई नहीं हुई तो होगा उग्र आंदोलन। चौरई थाना के अंतर्गत का मामला ग्राम ग्रेटिया का जांच में प्राप्त हुआ, जिसकी जांच के दौरान पार्थिया कृष्णाबाई उइके, साक्षी राजेश उड़के, रामचरण इवनाती, आशाबाई उड़के से पूछताछ में जानकारी में बताया। घटना दिनांक 3/6/2024 को शाम 6 बजे करीब पार्थिया अपने घर पीछे वड़ी में खड़ी थी। बाजू में रहने वाली प्रयागोबाई ने वाड़ी में रखी लकड़ी की तरफ कचरा क्यों फेंकने से मना किया, तो इस बात को लेकर प्रयागोबाई का लड़का राधेश्याम रघुवंशी आया के साथ कहा सुनी हो गई। कहा सुनी इतनी बड़ी कि दोनों के बीच हाथापाई हो गई, जिसमें पुलिस के द्वारा आरोपी राधेश्याम रघुवंशी का कृत्य अपराध धारा 294325506 बदावी 3(1) का एक्ट का घटित करने पाए जाने से अपराध पर जीवंत कर दिया गया, उसे जेल भेज दिया गया है। पीड़िता के सास मां का कहना है कि आरोपी की छूटने के बाद उसके द्वारा धमकाया गया कि अगर और यहां रहे तो उसकी जान से मार देने की धमकी दी गई। गोंडवाना नेता देव रावण के नेतृत्व में रैली निकाल कर थाने का घेराव किया गया, जिसमें उनके द्वारा ज्ञापन दिए जाने हेतु आवेदन लाया गया था एवं आवेदन में धारा 307 लगवाने की बात कही गई थी, तथा परंतु थाना प्रभारी के द्वारा आवेदन नहीं लिया गया। इसके विरोध में आने वाले समय में गोंडवाना नेता देव रावण भलावी के द्वारा 15 जुलाई को चोरी में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। यदि प्रशासन ने आरोपी के खिलाफ धारा 307 की कार्रवाई नहीं, परिजनों का कहना है जब महिला को मारपीट की जा रही थी, महिला 4 महीने की गर्भवती थी, प्रार्थी कृष्णाबाई पति सुखपाल उड़के की माँ ने बताया। यहाँ पर एक महिला के मारपीट का मामला सामने आया, जिसमें करीब दिन से थाना में एफ आई आर की गई और कठिनगर कार्रवाई की गई थी, और उत्तर प्रदेश की मामले की कुछ धाराएँ बढ़ाई हैं, तो उस संबंध में हमने बताया कि वही मेडिकल रिपोर्ट जो भी हादसे को यही कराई है, दूसरे तरीके से जो भी बाद में रिपोर्ट आई धारा बढ़ाई जाएगी, धारा बढ़ाने या कम करने की कार्रवाई मेडिकल या आवाज में होगी कम करनी पड़ेगी। किस मामों को लेकर बैठे थे सर? घाट में बात तो बोल रहे थे वो कि घाट से सर बढ़ाई है या आपको भी गिरफ्तार किया है, तो जिन मार्जिन से धारा में भी साइनी हुई है उससे हमने जो कार्रवाई होती है विभिन्न होती है, और मेडिकल में हमने क्वेरी लगाई उसमें जो भी आएगा उसका सर आगे और कार्रवाई होगी। हाँ जैसा भी अभी मामला योजना में जो भी अभी और चर्चा है। आप लोगों के द्वारा क्या आश्वासन दिए थे सर उनको? आश्वासन यही है कि जो बिजली का कार्रवाई हमने पहले भी थी और अभी भी उसमें जो भी चर्चा है उसका कार्रवाई करके की गई है। उसमें जिस प्रकार से उन लोगों ने जानकारी दी सर कि लगभग 22 दिन हो गए इस घटना को, तो उसकी वजह से उसमें जो तत्काल महिला को उनमें जो और अभी जो बाद में मेडिकल में हमने क्वेरी भी की है। सर अपनी मांगों को लेकर वो यहाँ धरना लेकर पहुँचे हुए थे, लेकिन संतुष्ट न होने के बाद उन्होंने अपने के जो मांग का जो उसको फाड़ दिया और उसके बाद पुलिस से नाखुश होकर यहाँ से निकले और उग्र आंदोलन की चेतावनी देकर गए हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने उनको आपने देखा होगा, मैंने दो बार हम लोगों ने बताया कि जो भी विधिपूर्वक कार्रवाई होती है वही हम करते हैं, और जो उसमें अभी तक हमने वही किया है जो कि उसमें आया हुआ है, और आगे भी वही जो उसमें रहेगा विधिपूर्वक हम करेंगे और उसी सीमा में हम कर सकते हैं, हमने सभी अपने प्रयास में जो भी उसमें था वो किया है। आज चौराहे के अंदर एक चौराहे थाना क्षेत्र में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। एक गर्भवती महिला को उसकी छोटी सी बच्ची के सामने एक राधेश्याम रघुवंशी नामक एक व्यक्ति ने बहुत दर्दनाक तरीके से मारा। उसके सर पे 3 जगह चोट आई, उसका एक हाथ फ्रैक्चर, पैर फ्रैक्चर और पूरा शरीर में काला धब्बा बन गया। इतना भयानक तरीके से लात और घूंसे मारा, मामले में कार्रवाई होनी चाहिए थी, धारा 307 की कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने एसटीएससी एक्ट सहित हल्की मामले की धारा, हल्की धारा लगा दिया जिसमें कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती और उसमें मामले को खत्म कर दिया गया। आज यहाँ पर आंदोलन किया हमने और प्रशासन से पूछा कि आपने धारा 506 IPC की लगाया है, नॉर्मल धारा लगाया, आपने 307 क्यों नहीं लगाया, आप हमें धारा के बारे में बताओ। पुलिस प्रशासन ने धाराओं के बारे में नहीं बताया,
हमने पुलिस प्रशासन से कहा कि आप लिख के दीजिए कि आरोपी फिर से छूट गया है और हमें मारने की धमकी दे रहा है और माताओं बहनों को मारने की धमकी दे रहा है। आप लिख के दीजिए कि वो धमकी नहीं देगा और उसकी गिरफ्तारी करेंगे और धारा 307 IPC के अवैध करेंगे। तो प्रशासन कोई जवाब नहीं दे रहा था, ना उन्होंने उनके द्वारा लगाई गई धारा के बारे में बताया, ना गिरफ्तारी के बारे में लिख के दे रहा है और ना ही हमें कोई जवाब नहीं दिया। तो हमारे द्वारा जो आवेदन हमने ले गए थे उस आवेदन को हमने वही थाने के समक्ष फाड़ा और थाना का पैर पड़ के हमने बोला कि ये थाना पूरी तरीके से यहाँ के नेता नगरी और पटेलों के चंगुल में आ गया है। पिछले मामले में भी इस थाना से जो चालान है आज तक पेश नहीं हुई और ये थाना जो है पूरी तरीके से नेताओं के चंगुल में, इसलिए हमने वही ज्ञापन फाड़ के और हमने आज बहुत बड़ा आंदोलन 15 जुलाई को करने की चेतावनी दी है, जिसमें इस क्षेत्र के सांसद जो पीला गमछा डाल के संसद भवन में गए थे उनको भी आमंत्रित करेंगे, पूरे विधायकों को आमंत्रित करेंगे जो कांग्रेस से बने हैं और गोंडवाना के पूरा नेता पूरा आदिवासी समाज यहाँ पर एकत्रित होकर ये चौरी थाना हटाने की हम मांग करेंगे। या तो इस थाना को आप बड़ा रूप दीजिए, ईमानदार पुलिस प्रशासन को लाइए, अन्यथा इस थाने को हटाने की हम मांग को लेकर आप धरना प्रदर्शन करेंगे। इन मांगों को लेकर हम एकत्रित हुए। थाना प्रभारी को लेकर आप SP साहब से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सम्मानीय SP साहब से हमें विश्वास है, एडिशनल SP साहब से हमें विश्वास है कि आप बाकी जगह वैधानिक काम कर रहे हैं, लेकिन क्यों अक्सर कर यही चौरी थाना और वो चांद थाना क्षेत्र में ये दलित आदिवासी और पिछड़े को इतने गंदी तरीके से मारा जाता है और बार बार जो पटेल लोग हैं वो छुट जाते हैं और उनके कैप्चर में जाते हैं। तो SP साहब से कहना चाहता हूँ, इस थाने को आप अपने अधिकृत अपने अंतर्गत और निर्देशित करिए या अंतर्गत लीजिए जिसमें एक भी मामले में ऐसे समझौता ना हो और ऐसे लोगों की चटुकारिता इस थाने में बंद हो, इसके लिए हम मांग करेंगे SP साहब से। प्रशासन से कुछ आश्वासन मिला? प्रशासन से कोई आश्वासन नहीं है, हमें इस थाने पे विश्वास ही नहीं है, इसलिए अब हम यहाँ पर ज्ञापन नहीं देंगे। अब जब जब मामला होगा तो हम पीड़ित के यहाँ आदिवासी महापंचायत करेंगे और सीधा SP साहब से हम बात करेंगे और कलेक्टर साहब से बात करेंगे, थाने से नहीं करेंगे। मैं देवरावन भलाबी, आदिवासी आंदोलनकारी और आपका साथी।